हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आपके फ्यूचर का सीक्रेट कोड बताने वाली हूँ जो कि आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सीक्रेट कोड कौन सा है, वो सिर्फ एक वर्ड का है और कितना प्रोफाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ में डालता है, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको वो एक उपाय मिल जाए जिसके थ्रू आप अपना फ्यूचर बदल सको, एंड इट इज श्योर 100 नहीं 1000% गारंटी है कि आप इस वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसी प्रैक्टिस मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपने भविष्य को, उत्तम भविष्य, सफल भविष्य को प्राप्त करने का एक उपाय जान लोगे। एंड इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम, ये हर एक समय काम करता है। तो ये कौन सा एक वर्ड है, पहले मैं वो वर्ड बताऊंगी और उसके पीछे मैं तीन उसके कारण बताऊंगी, और उन्हीं तीनों कारण के अकॉर्डिंगली आप कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने फ्यूचर को एक उत्तम भविष्य बना सकते हो, या फिर आप सफलता की जितने भी आपने ड्रीम, डिज़ायर, गोल बना रखे वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। एक्चुअली ये सफलता को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है और यही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है, केवल सिर्फ ये एक प्रैक्टिस। तो वो कौन सा एक शब्द है, मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, ये अमेजिंगली काम करता है। पूरा ब्रह्मांड इसी एनर्जी से आपके पास वो सारी चीज़ें ला के देगा जिसकी आपको इच्छा है, या जो आपके सुखी, सफल और समृद्ध जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो एक शब्द है या वो एक सीक्रेट कोड है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स ग्रेटफुल होना, थैंक यू बोलना ईश्वर को, ब्रह्मांड को, हर उस चीज़ को जिसके थ्रू आपको वो चीज़ें मिली, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जो कि आपको जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में इस यूनिवर्स में जाते हैं तो वही ब्रह्मांड में आपको वो सिग्नल या संकेत भेजते हैं कि हाँ, ये बहुत खुश हैं उस चीज़ों से, ये ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, तो इनको और ऐसे मौके मिलने चाहिए कि ये उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, या थैंक यू जो हम बोलते हैं। तो यूनिवर्स किसकी भाषा समझता है, हमारे वाइब्रेशन की भाषा समझता है, हमारे इमोशंस की भाषा समझता है, और जब हम ये सिग्नल यूनिवर्स में भेजते हैं तो यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको ला के देता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एंड रिजल्ट क्या है, आप अच्छा घर चाहते हो, आप जॉब चाहते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, जो भी ड्रीम डिज़ायर है, एवरी सिंगल डिज़ायर, उस सब का एंड रिजल्ट क्या होता है, गुड फीलिंग, और दूसरा होता है ग्रेटफुल फीलिंग। अभी आप जो चाहते हो सब कुछ हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मंदिर जाओगे या अपने ईश्वर को या जिनको आप मानते हो उनको थैंक यू बोलोगे, या लोगों को थैंक यू बोलोगे, किसी को भी, किसी भी फॉर्म में, पर अगर आप उनको थैंक यू बोलोगे ही बोलोगे, तो यही वो वाइब्रेशन है, यही वो चीज़ है जो आपके फ्यूचर को ओपन करता है, ब्राइट फ्यूचर को। और ये आपको क्या बनाता है, ये आपको बनाता है मैग्नेट ऑफ गुडनेस एंड मिरेकल्स, मतलब आपको चुंबक बनाता है किसकी, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, और दूसरा मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने का। कितना पावरफुल वाइब्रेशन है ये, आप एक दिन प्रैक्टिस करके देखिए। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगी, इसके पहले एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, और हम कई बार मुँह से नहीं बोलते हैं, हम वैसा महसूस कर रहे होते हैं या हमारी इनर टॉक ऐसी चल रही होती है, तो वही 70% हमारे दिन में वही चल रही होती पूरे दिन में। आप देखना, आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप एक दो थ्रेड लेना, धागे लेना, और आप सुबह से शाम तक दिन में कितनी बार आपने नेगेटिविटी फील की, या आपने नेगेटिविटी ऑब्जर्व की, या आपको ऐसा लगा कि आपने कंप्लेन की, या ये सही नहीं है, वो सही नहीं, और हर समय आप एक गांठ लगाते जाइए उस धागे में। और वैसा ही आपने दिन में कितनी बार थैंक यू बोला ईश्वर को, या कौन सी अच्छी चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि या दिस इज़ वेरी गुड, या ग्रेटफुल उसके लिए महसूस किया, तो उस समय वो दूसरे धागे में एक गांठ लगाना है। आप शाम को
बताइए कि कितनी गांठें आपने कंप्लेन नेगेटिविटी के लिए लगाई और कितनी गांठें आपने ग्रेटफुल और पॉजिटिविटी के लिए लगाई। और इस वीडियो के एंड में आप या तो उसमें इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके और वो बताइए मुझे कि दिन भर में हमने कितनी चीजें नेगेटिविटी की सोची या कंप्लेन की सोची और कितनी बार हमने थैंक यू बोला। तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम दिन भर में हाफ से भी ज़्यादा समय सिर्फ कंप्लेन में लगाते हैं, ग्रेटफुल होने में नहीं लगाते हैं। और जब हम इसको 70% ग्रेटफुल होने में लगा देंगे तो हमारे सिग्नल यूनिवर्स में वैसे ही जाते हैं और वही चीज़ें अट्रैक्ट होके आती हैं। तो इस प्रैक्टिस को कैसे आपको करना है या खुद को मैग्नेट कैसे बनाना है फ्यूचर के लिए, गुडनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको रोज सुबह कम से कम 8 से 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने की लिस्ट बनाना है। आप ये इसको डेली कर सकते हो, समय नहीं है तो 7 दिन में एक बार करना, और भी समय नहीं है तो महीने में एक बार ज़रूर करना। और उन सब चीज़ों के लिए जब हम ग्रेटफुल महसूस करते हैं तो वही चीज़ें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। दूसरी प्रैक्टिस आपको जो करना है ये ग्रेटिट्यूड या थैंक यू जब आप बोलते हो तो आपके फ्यूचर के गोल, ड्रीम, डिज़ायर, इनकी डोर ओपन हो जाती। अब वो कैसे ओपन होते हैं, क्योंकि आप जब ये चीज़ें कर रहे होते हो और ख़ासकर उस समय आपको करना है जैसे सोने से जस्ट पहले या अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे ओपन हो, और उस समय आपको रोज या तो रात को करो तो सोने से पहले विजुलाइज करना है किस चीज़ के लिए, थैंकफुल होने के लिए। या आपने मान लो कुछ आपका गोल पूरा हो गया, आपका ड्रीम घर आपको मिल गया, ड्रीम जॉब आपको मिल गया, जो भी चाहिए वो मिल गया, आपको विजुलाइज वैसा ही करना है सोने से जस्ट पहले जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है एंड रिजल्ट को। और उसके बाद कैसा विजुलाइजेशन करना है, थैंक यू बोलना है उस पूरे विजुलाइज या उस पूरे सीन को आपको देखना है और आप पूरे टाइम थैंक यू बोल रहे हो ईश्वर को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मीन्स आपको ग्रेटिट्यूड विजुलाइजेशन करना है। आप ये डेली कर सकते हो जब तक कि आप और वो डिज़ायर आपको एक ही महसूस होने ना लगे या आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ अब तो ये हो गया है, तो फिर आप विजुलाइज करना इसको छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। ये दूसरी प्रैक्टिस है और ये यकीन मानिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को 100% रीप्रोग्राम करती है और आप धीरे धीरे सफल व्यक्ति बन जाओगे। और तीसरा जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ग्रेटिट्यूड क्या करता है या ग्रेटफुल होना, आपको इस समय द पावर ऑफ नाउ, आपने बुक पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िए, बहुत अमेजिंग बुक है। तो जो ग्रेटिट्यूड है वो इस समय इस पल के पावर को या इस पल के डोर को ओपन करता है। जब हम थैंकफुल बोलते हैं तो हम पास्ट में भी नहीं रहते और फ्यूचर में भी नहीं रहते, हम किस चीज़ में रहते, नाउ में। और नाउ ही है या यही एक पल है जो आपकी सारे डिज़ायर, ड्रीम, मैनिफेस्टेशन सबका जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही एक पल है। मतलब इसी एक पल में आपकी सारी विशेष सब कुछ पूरी हो चुकी हैं। जब आप थैंक यू बोल रहे होते हो तो आप उस नाउ में होते हो और वही आप का मैनिफेस्टेशन का पल है, बेसिक है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में थैंक यू बोल रहे होते हो तो वो सारी ड्रीम डिज़ायर आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप वैसा ही वाइब्रेट कर रहे होते हो। और ये अमेजिंग प्रैक्टिस है और ग्रेटिट्यूड आपको प्रेजेंट में लेके आता है जो कि आपके नेक्स्ट पल को डिसाइड करता है कि ये पल आपका कैसा होगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह मॉर्निंग में आपको उस समय 5 मिनट या 10 मिनट थैंक यू बोलना है, मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए। आप चाहो तो छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो, जब आप ज़मीन पे उठते साथ पहला कदम ज़मीन पे रखते हो तब थैंक यू बोलिए इस लाइफ के लिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, मिनिमम चीज़ें हैं, आप बेड के लिए, अपने सिर के ऊपर छत है उसके लिए, जो चीज़ आप सांस ले पा रहे हो, आप जिंदा हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, हर एक चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो थैंक यू बोलिए। 5 मिनट ये प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ में इसका प्रोफाउंडली इफेक्ट पड़ता है। प्रोफाउंडली मतलब बहुत बड़े स्तर पे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है। आई होप दिस सीक्रेट कोड विल हेल्प यू टू ओपन द डोर ऑफ योर फ्यूचर। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।